कांग्रेस शासित राजस्थान में हम आज तक सुनते थे कि पेपर लीक हो गए, कहीं नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ तो कहीं बुजुर्ग महिला के साथ, बेरोजगार युवा और लूट खसोट जैसी खबर राजस्थान के लिए आम है। लेकिन राजस्थान में अपराध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। हाल ही में राजस्थान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां डींग जिले में मंत्री जाहिदा खान के पति ने एक सरकारी पहाड़ की 15 बीघा जमीन को अपने नाम करवा लिया और तो और उस जमीन के नाम पर लोन भी ले लिया। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से गहलोत सरकार को जो फंड मिला था, आरोप है कि उसमें भी दो कंपनियों ने मिलकर 20,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। गहलोत के अपने शहर जोधपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के चलते मेडिकल स्टोर संचालकों ने मिलकर जो बीमार नहीं थे उनके नाम से फर्जीवाड़ा कर अस्पतालों में करोड़ों रुपए हड़प लिए। भिलवाड़ा में एक कंप्यूटर ऑपरेटर जिसकी सैलरी मात्र 5,000 थी, उसने शिक्षक बनकर 2,15,00,000 रुपए की कमाई कर ली, लेकिन शिक्षा विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने अपनी फैक्ट्री से भेजी जाने वाली मिड डे मील में भी घोटाला कर दिया। जिस राज्य के मंत्री और नेताओं के हाथ ही घोटालों में सने हो, उससे भ्रष्टाचार मिटाने की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। राजस्थान की जनता को अगर अपनी और राज्य की रक्षा करनी है तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना जरूरी है।